Hello everyone, my name is Srishti Jain and I am pursuing my BTech from a very famous institution, Sagar Institution of Research, Technology and Science. As we all know that, ये जो टाइम है हमारे साथ क्वारंटाइन का, वो सो कॉल्ड हॉलीडे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको ये पता है कि ये वक्त जो हम सबको मिला है हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे घर में, वो काफ़ी स्पेशल हम बना सकते हैं। शायद कुछ लोग आजकल कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, तो शायद कुछ लोग आजकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ आर्टिस्ट बन रहे हैं तो कुछ राइटर बन रहे हैं, जैसे कि मैं। जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे पोएम्स और कोटेशंस लिख चुकी हूँ, लेकिन ये जो पोएम है वो मैंने स्पेशली अपने लॉकडाउन के टाइम पे लिखी है, और उसका नाम है जब दिल उदास होता है। बिकॉज वेल स्टेइंग एट होम वी कैन इंक्रीज आर पैशन, वी कैन फॉलो आर पैशन, जो कि हमें हमारे कॉलेज के टाइम पे नहीं मिल पाता है। इसलिए हम घर पे बैठ के अपने आप को थोड़ा वक्त दे सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल में होती हैं और हम कह नहीं सकते हैं किसी और से, और हम हमारी डायरी में लिख लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक रूल है, मैं रूल मान सकती हूँ इस चीज़ को। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ। आँखों इश्क ने ही अमीर बनाया था, इश्क ने ही अमीर बनाया था, आज इश्क ने ही फकीर बना दिया। इश्क ने ही अमीर बनाया था, आज इश्क ने ही फकीर बना दिया। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर चुरा कर, मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर चुरा कर, आज मेरे मौला ने उसे किसी और की तकदीर बना दिया, किसी और के हाथों की लकीर बना दिया। थैंक यू सो मच। Hello everyone, my name is Srishti Jain and I am pursuing my BTech from a very famous institution, Sagar Institution of Research, Technology and Science. As we all know that, ये जो टाइम है हमारे साथ क्वारंटाइन का, वो सो कॉल्ड हॉलीडे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सबको ये पता है कि ये वक्त जो हम सबको मिला है हमारे पेरेंट्स के साथ हमारे घर में, वो काफ़ी स्पेशल हम बना सकते हैं। शायद कुछ लोग आजकल कुकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं, तो शायद कुछ लोग आजकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ आर्टिस्ट बन रहे हैं तो कुछ राइटर बन रहे हैं, जैसे कि मैं। जैसे कि मैं पहले भी बहुत सारे पोएम्स और कोटेशंस लिख चुकी हूँ, लेकिन ये जो पोएम है वो मैंने स्पेशली अपने लॉकडाउन के टाइम पे लिखी है, और उसका नाम है जब दिल उदास होता है। बिकॉज वेल स्टेइंग एट होम वी कैन इंक्रीज आर पैशन, वी कैन फॉलो आर पैशन, जो कि हमें हमारे कॉलेज के टाइम पे नहीं मिल पाता है। इसलिए हम घर पे बैठ के अपने आप को थोड़ा वक्त दे सकते हैं और हम समझ सकते हैं कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो जब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दिल में होती हैं और हम कह नहीं सकते हैं किसी और से, और हम हमारी डायरी में लिख लेते हैं, क्योंकि ये मेरा एक रूल है, मैं रूल मान सकती हूँ इस चीज़ को। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ। आँखों के आँसू और दिल के जज्बात पन्नों पर उकेर दिया करती हूँ। कलम को स्याही में डुबोकर, अपनी अनकही बातें लिख लिया करती हूँ। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ। तनाव की इस जंग से नए पाठ सीख लिया करती हूँ। एक नई किताब के पहले पन्ने की तरह फिर बिना पढ़े उसे पलट दिया करती हूँ। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख करती हूँ। मंजिल तक पहुँचने के लिए कई मुकाम हासिल कर लेती हूँ, फिर एक खूबसूरत सा मोड़ देकर उस सफ़र के अलविदा कह लेती हूँ। जब दिल उदास होता है तो कुछ लिख लिया करती हूँ थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू माई पोयम, एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर होम्स। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।